नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लोराटाडिन टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, लोराटाडिन टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और लोराटाडिन टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि लोराटाडिन टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में लोराटाडिन टैबलेट को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। लोराटाडिन टैबलेट एक एंटीहिस्टामिन ड्रग क्लास की दवा है जिसका उपयोग सामान्य जुखाम, नजला और एलर्जी के लक्षणों से राहत पाने के लिए किया जाता है। एलर्जी या नजला के लक्षण जैसे नाक से पानी बहना, आंखों से पानी आना, आंख, नाक या गले में खुजली होना, छींक आना और शरीर पर कहीं खुजली होने पर आदि लक्षणों से राहत पाने के लिए लोराटाडिन टैबलेट का उपयोग किया जाता है। कभी कभी डॉक्टर त्वचा पर रैशेस होने पर भी लोराटाडिन टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। दोस्तों कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि लोराटाडिन टैबलेट को कैसे लेना रेकमेंडेड होता है। लोराटाडिन टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। आमतौर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर लोराटाडिन 10mg टैबलेट को दिन में एक बार लेने की सलाह देते हैं, लेकिन लोराटाडिन टैबलेट की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको लोराटाडिन टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना लोराटाडिन टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि लोराटाडिन टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में लोराटाडिन टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में लोराटाडिन टैबलेट की वजह से कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे मुंह में सूखापन, सिरदर्द, शरीर में थकान, नींद आना और उल्टी आने का मन होना आदि साइड इफेक्ट्स लोराटाडिन टैबलेट की वजह से हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि लोराटाडिन टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में लोराटाडिन टैबलेट को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। लोराटाडिन टैबलेट के साथ आपको शराब का सेवन नहीं करना चाहिए और लोराटाडिन टैबलेट को लेने के बाद ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए और ऐसी मशीनों पर काम भी नहीं करना चाहिए जिन पर काम करने के लिए अधिक मानसिक सतर्कता की आवश्यकता होती है, क्योंकि लोराटाडिन टैबलेट को लेने के बाद कुछ व्यक्तियों को नींद आ सकती है। अगर आपको लोराटाडिन टैबलेट या इसके किसी भी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है तो आपको लोराटाडिन टैबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को भी बताना चाहिए। अब हम जानेंगे कि क्या प्रेग्नेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं लोराटाडिन टैबलेट को ले सकती हैं या नहीं। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए लोराटाडिन टैबलेट का सेवन करना रेकमेंडेड नहीं है। इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को लोराटाडिन टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को लोराटाडिन टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका लोराटाडिन टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।